बच्चे दिवाली की छुट्टियों का पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। वो हर महीने अपनी तनख्वाहों का पलके बिछाकर इंतजार करता है। हम तुम्हारा पलके बिछाकर इंतजार करेंगे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं पलके बिछाकर इंतज़ार करना या फिर बेसब्री से इंतज़ार करना। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। पलके बिछाकर इंतज़ार करना या फिर बेसब्री से इंतज़ार करना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं ईगरली वेट फॉर समथिंग और समवन। ईगरली वेट फॉर समथिंग और समवन किसी चीज़ हो सकता है या फिर कोई इंसान भी हो सकता है। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देने ईगरली वेट, इसके बाद फॉर। फॉर के बाद आपको यूज़ कर देने ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन। मैं और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो वेट आप देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि वेट, वेट्स, वेटेड, वेटिंग, ये सब। और जो आप ईगरली देख रहे हैं ये एक एडवर्ब है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे दिवाली की छुट्टियों का पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, या फिर बच्चे दिवाली की छुट्टियों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर ईगरली वेटिंग फॉर द दिवाली वेकेशन। चिल्ड्रन आर ईगरली वेटिंग फॉर द दिवाली वेकेशन। मैं अपने बर्थडे को पलके बिछाकर इंतजार कर रहा हूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई बर्थडे। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई बर्थडे। उसके परिवार ने उसके शादी का पलके बिछाकर इंतजार किया। हिज फैमिली ईगरली वेटेड फॉर हिज वेडिंग। हिज फैमिली ईगरली वेटेड फॉर हिज वेडिंग। वो हर महीने अपनी तनख्वाहों का पलके बिछाकर इंतजार करता है। He eagerly waits for his salary every month. He eagerly waits for his salary every month. क्या तुम उसके आने का पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हो? Are you eagerly waiting for her arrival? Are you eagerly waiting for her arrival? हम तुम्हारा पलके बिछाकर इंतजार करेंगे। We will eagerly wait for you. We will eagerly wait for you.